वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। इसके पहले हम इसके 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, यह हमारा 11वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आज के क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो सके। हम इसके सारे क्वेश्चन को काफ़ी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व हो जाए। हम इस चैप्टर से 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75। 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग है, उसमें बड़े से बड़े वृत्त कितने का बन सकता है, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री, इसका सबसे पहला हमारा फंडा होता है फिगर बनाना। अगर फिगर हम इसका आसानी से बना लेते तो इसके क्वेश्चंस हमारे लिए कुछ भी नहीं होते। तो सबसे पहले हम इसके फिगर देखेंगे कि इसके फिगर्स बनाएंगे कैसे। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है, उसमें बड़ा से बड़ा वृत्त बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक हम ये दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक वृत्त के बाहर से वर्ग बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक वर्ग है, इसके अंदर वृत्त बना हुआ है। कह रहा है इस वर्ग का परिमाप कितना है, 120 सेंटीमीटर। हमने वर्ग का नाम रखा है ए बी सी एंड डी, और इसका परिमाप हमें दे रहा है 120 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अगर कोई वर्ग हो उसमें बड़ा से बड़ा वृत्त आप एज्यूम कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्या हो सकता है, जो इसके चारों साइड्स को बीचों बीच से घेरे। यानी कि जो वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास होता है वही वर्ग की भुजा होती है। जो वृत्त का व्यास होता है वही क्या होती है, वर्ग की भुजा होती है। तो अब हम इसी नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है। तो आपको वर्ग जिसके चारे भुजा बराबर हो, आपके दो चीजों की बात किया गया, वर्ग की परिमाप की और वृत्त का क्षेत्रफल की। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4a क्या होता है, तो 4a, जहाँ a क्या हो गया, तो साइड। उसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल का बात किया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें इतना तो मालूम है, तो हम इसके क्वेश्चन अब देखते हैं इसके कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमसे कह रहे हैं 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें ये तो मालूम ही नहीं है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर हमें इतना मालूम है कि वर्ग का जो भुजा है वही वृत्त का क्या है, व्यास है। तो हम यहाँ से इसका व्यास निकाल सकते हैं। तो परिमाप आपको अगर 4a हो तो हम इसका साइड आसानी से निकाल सकते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4a यानी कि ये इधर चला जाएगा। तो पेरीमीटर बाई फोर यानी कि 120 बाई 4, इस तरह से आ गया 30 सेंटीमीटर। अब वर्ग की भुजा आ गई 30 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो गई, वृत्त का व्यास आपका हो गया, क्योंकि दोनों का वृत्त का व्यास और वर्ग का भुजा बराबर था। तो वृत्त का व्यास हमें पता चल गया। यहाँ से हम इसकी त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बाई टू यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा था वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर होता है यानी कि पाई इंटू 15 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई यानी कि हम कह सकते हैं 22/7 इंटू 15 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन हमेशा दिए रहते, तो आपको ऑप्शन में ध्यान में रखना है उसमें पाई का वैल्यू क्या दे रखा है, पूरा सॉल्व किया कि नहीं। अगर पूरा नहीं सॉल्व किया तो हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें, हम भी उसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हम कैलकुलेट करते तो ये हमारा काफ़ी लॉन्ग जाता, और आपके ऑप्शन में काफ़ी लॉन्ग दिया ही नहीं, तो हम इसे काफ़ी लॉन्ग क्यों सॉल्व करें। तो आपको बस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी ध्यान में रखने होते हैं कि ऑप्शन दिया है किस तरह से। अगर आपको ये मालूम हो कि ऑप्शन किस तरह से दिया है, तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज है जिसका कि भुजा कितना है, तो 42 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बोल रहे हैं इसमें बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हमने एक वृत्त बनाया, इसके बाहर से एक समबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसके अंदर बोल रहा है वृत्त है, तो इसके बाहर से हमने एक समबाहु
त्रिभुज इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब हमसे पूछ रहे इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। इसका हमने नाम रखा ए बी सी, ये हमारा हो गया त्रिज्या। तो हमसे पूछ रहे 42 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज का भुजा है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है तो हम इसे कह सकते हैं अंतर्वृत्त। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है जो कि हमें मालूम है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू त्रिभुज की भुजा बाई 2√3। अब हम इसी फॉर्मूले के यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं इसका त्रिज्या। उसका त्रिज्या मालूम हो जाए तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 42/2√3 यानी कि ये हो गया 21 यानी कि 21/√3 हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं 7√3 सेंटीमीटर। अब अंतर्वृत्त की हमें त्रिज्या मालूम चल गई। अब हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन से पाई के रूप में नहीं दिए तो हम इसे टोटली सॉल्व करना पड़ेगा। 22/7 × 21/√3 × 21/√3। अब 21 3 से ये तीनों कैंसिल हो गया, इस तरह से ये हमारा आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा ये कितना आसान था। हमसे बोल रहे थे कि एक 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर की अगर बात करें, उसके अंदर वाले वृत्त की क्षेत्रफल की, तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला हमें मालूम है, वहां से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू होता है भुजा बाई 2√3 यानी 42/2√3। इस तरह से ये हमारा आ गया 21/√3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 40 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में तय चक्कर ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पहिया है जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। पहिया आप देख रहे हैं, पहिया जो होता है एक वृत्त जैसा होता है, इसका व्यास हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि अगर पहिए द्वारा हमें 176 मीटर की दूरी तय करनी है तो इसमें कितने चक्कर लगेगी। तो आपको जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए, सॉरी ये आपका ब्यास था 40 सेंटीमीटर, तो हमने आपको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बताया कि अगर पहिए द्वारा तय चक्कर की बात किया जाए तो पहिया जो होता है एक चक्कर में वो अपने पूरे परिधि के बराबर घूम जाता है। तो एक चक्कर में इसकी दूरी अगर हम निकाल दें तो हम निकाल सकते हैं कि 176 मीटर में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी, परिधि के बराबर होता है एक चक्कर की दूरी। तो हम यहाँ से वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या हो गया, तो वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr या फिर हम कह सकते हैं पाई इंटू डी बिकॉज 2r इक्वल टू टी। तो ये हमारा आ गया, यहां से हमारा आ जाएगा क्या, तो 40π, यहां से हमारा आ गया 40π सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा आया 40π सेंटीमीटर, बट हमारे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मीटर में दिए, तो यहाँ इसे हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 40π/100 मीटर। अब हमें इतना तो मालूम चल गया कि वृत्त की परिधि क्या है। तो हमसे बोल रहा है कि 176 मीटर दूरी तय करने में तय चक्कर ज्ञात कीजिए। तो एक चक्कर में अगर एक पहिया 40π/100 मीटर दूरी तय करते हैं तो 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा, तो 176/40π × 100। अब हम इसे पाई को हम चेंज कर सकते हैं 22/7 में, तो 176 × 100/40 × 22 × 7 ये हो गया 8 से कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 20, इस तरह से आ गया 140 चक्कर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, कह रहा था कि एक पहिया जिसका कि व्यास 40 सेंटीमीटर है इसके द्वारा 176 मीटर दूरी करने में हमसे तय चक्कर पूछ रहा था। तो हम जानते हैं कि पहिया जो होते हैं अपने परिधि के अनुसार घूमते हैं, तो पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी, तो जितना उसका परिधि होगा। तो हमने सबसे पहले वृत्त की परिधि निकाला तो हमारा आ गया 40π सेंटीमीटर, एंड क्वेश्चन आपका मीटर में, तो हमने इसे भी मीटर में चेंज कर दिया। तो एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में अगर 40π/100 मीटर दूरी करता है तो 176 मीटर में वो कितना चक्कर लगाएगा, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो आया 140 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब P1, P2 तथा P3 है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज की।
कोई समबाहु त्रिभुज है, हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया जिसका कि नाम रखा ए बी सी। बोल रहा है इसके अंदर स्थित बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया इस तरह से, एक का जो नाम रखा है वो पी वन रखा है, फिर दूसरे पे भी लंब डाला गया उसका नाम रखा है पी टू, फिर तीसरे पे डाला है इसका नाम रखा है पी थ्री। तो हमसे पूछा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी, तो इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला को माइंड में याद रखने, इससे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में, तो आप प्लीज इसके फॉर्मूले को याद कर लें। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो साइड इक्वल टू होता है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की बात करें तो साइड इक्वल टू होता है आपका टू बाई रूट थ्री इंटू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, ये आपका एक फॉर्मूले के रूप में तैयार होता है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने आप इस फॉर्मूले को पक्का याद रखें। इसका हमारा क्या फॉर्मूला हो गया कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से सम्मुख भुजाओं पर लंब डाला जाए तो इसकी प्रत्येक भुजा हो जाएगी टू बाई रूट थ्री इंटू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया चार रूट थ्री सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, उस वृत्त के अंदर बनाया गया वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्ग है उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, फिर आपसे एक क्वेश्चन और कह रहा है कि उस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसके फिगर्स ड्रॉ करेंगे, तो इसका फिगर आपका कैसा बनेगा, तो कह रहा है एक वृत्त, ये हमने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, इसके बाहर एक वर्ग है बिकॉज आपका कह रहा है एक वर्ग के अंदर वृत्त है, तो यहाँ से ताकि हमारा फिगर क्लीन बन सके इसलिए हमने पहले वृत्त बना लिया उसके बाद वर्ग बना लिया, तो ये हमारा वर्ग हो गया, इसका हमने नाम रखा ए बी सी एंड डी। फिर बोल रहा है कि इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, फिर यहाँ से हमने इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, इस तरह से हमारा ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज। तो हमसे बोल रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखा है फोर रूट थ्री सेंटीमीटर, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा समबाहु त्रिभुज का भुजा दे रखा है कितना, तो फोर रूट थ्री सेंटीमीटर, और हम देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में हमारा दिख रहा है आपको इस तरह के, हमने क्वेश्चन 75 बताया कि एक वर्ग के अंदर अगर बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जाए तो उसका जो व्यास होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है, यानी कि जो वृत्त का व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, तो वर्ग की भुजा की। तो हम इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होगी, हमसे वर्ग का विकर्ण की बात करें तो अगर भुजा निकल जाए तो विकर्ण निकल जाए। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्ग का विकर्ण होगा क्या, तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको मालूम होगा वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट टू इंटू साइड। अब हमें साइड नहीं मालूम है बट इतना मालूम है कि साइड जो होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं वर्ग की भुजा इक्वल है आपके किसके, तो वृत्त के व्यास के। अब हम वृत्त का व्यास भी नहीं मालूम है तो वृत्त का व्यास हम निकाल सकते हैं कैसे, तो हमें मालूम है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज उसके बाहर से एक सर्कल खींचा जाता है तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर दिया हुआ है तो उस समबाहु उस जो बाह्य वृत्त है उसका त्रिज्या होता है क्या होता है, तो इसे हम कह सकते हैं सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस इक्वल टू क्या होता है, तो साइड बाय रूट थ्री इन रेडियस इक्वल टू आपको मालूम है अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती थी साइड बाय टू रूट थ्री, बट बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है साइड बाय रूट थ्री। अब हमें त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का साइड मालूम है फोर रूट थ्री सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रूट थ्री क्या, तो हमारा आ गया सर्कम रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कम रेडियस पता चल गया यहाँ से, यानी कि वृत्त का व्यास हो गया कितना, तो 4 इंटू 2 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त की व्यास मालूम है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वृत्त की व्यास इक्वल टू क्या होती है, तो वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा मालूम चल गई तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण होगा हमारा अंडर रूट 2a यानी 8 रूट 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में हमने किया कि कुछ भी नहीं, या हमारा क्वेश्चन थ्री फिगर्स को एक साथ मिला के क्वेश्चन किया गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर एक समबाहु त्रिभुज है उसके बाहर या अंदर से एक वृत्त खींचा गया तो उसके फॉर्मूला होते हैं, अगर बाहर से वृत्त खींचा गया उसके त्रिज्या की फॉर्मूला होती है साइड बाय रूट थ्री, अगर अंदर से खींचा गया तो उसके त्रिज्या की फॉर्मूला होती है साइड बाय टू रूट थ्री। यहां से हमने सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल दी, उसके बाद जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त अगर बनाया जाए तो उसका जो भुजा होगा
वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो यहां से हमारा बर का भुजा निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो बर का विकर्ण का फॉर्मूला हमें मालूम है, अंडर रूट 2 इंटू भुजा यानी 8√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कि कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिए, इसका नाम रखा ए बी सी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जो कर्ण होते हैं वो दूसरे भुजा की लंबाई के बराबर नहीं होगी, यानी कि कर्ण के अलावा जो बाकी दो भुजा है वो बराबर है। तो कर्ण हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, बाकी दो भुजाओं को हमने मान लिया एक्स एंड एक्स। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोनों भुजा की लंबाई। कैसे निकालेंगे? अगर दोनों भुजाओं की लंबाई पता चल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हमें ना ही बेस मालूम है ना ही हाइट मालूम है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ये हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू एक्स इंटू एक्स, इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू। तो अब हम एक्स की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 2। अब हम x स्क्वायर का वैल्यू मालूम है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 20 x स्क्वायर यानी 25 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से ये आ गया 25 बाय 4 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 6.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। समबाहु त्रिभुज के भीतर एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक भुजा है, यहाँ से एक भुजा है, इससे तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया। पहले भुजा पर लंब की लंबाई, दूसरे भुजा पर भी लंब डाला गया, तीसरी भुजा पर भी लंब डाला गया। एक भुजा पर 6 सेंटीमीटर, एक भुजा पर 8 सेंटीमीटर, एक भुजा पर 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 78 में आपको हमने बताया था कि इसके फॉर्मूले को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो इसकी भुजा क्या हो गई, साइड इक्वल टू 2y√3 इंटू p1 प्लस p2 प्लस p3, जहाँ p1 p2 p3 आपका लंब हो गया, तो 2y√3 आपका क्या हो गया, तो 6 प्लस 7 प्लस 8। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 2y√3 इंटू 40, 2y√3 इंटू ये आपका हो गया 21 यानी 42y√3, इसे हम कह सकते हैं 40√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन करे कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बराबर भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर की, इसका हमने नाम रखा ए बी सी, इनके बीच का कोण बोल रहा है 45 डिग्री। तो हमसे पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसमें हमारा कोण मालूम है और बराबर भुजा मालूम हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू भुजा यानी 10 का स्क्वायर इंटू साइन 45। इस तरह से हो गया 1/2 इंटू 100 इंटू 1/√2, ये हो गया 50 यानी 50/√2, इसे हम कह सकते हैं 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं करा था, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर उनके बीच का कोण 45 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज की हमें बराबर भुजाएं मालूम है और बीच का कोण मालूम है, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा यानी 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर साइन 45 डिग्री। इस तरह से ये हमारा आ गया 50/√2 यानी 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।